हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय हेल्प केयर यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के साथ मैं हूँ राज वर्मा। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को आप सिंपली प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के द्वारा आप एक फ़ोटो को, किसी भी फ़ोटो को बहुत ही अच्छे तरीके से उसके आइज़ में चेंजिंग ला सकते हैं, उसकी आँखों के रंग को बदल सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर होते हैं, लेकिन कुछ ही एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि वाकई में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसी में से एक एप्लीकेशन जो है, जो कि बहुत ही आसानी से आंखों के रंग को एकदम इजीली चेंज कर देता है। तो इस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। नीचे में आपको गैलरी दिख रहा होगा, तो आपको गैलरी पर सिंपली क्लिक कर देना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जिस फ़ोटो के आँख के कलर को चेंज करना है तो उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, मैंने एक फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, दोनों में आई लिखा हुआ है। तो दोनों को आपको ले जाके आँख के जो कलर होता है वहाँ पे आपको सेट करना है एकदम, और उसके बाद दूसरा वाला को भी इस तरह से पकड़ के ले जाना है। और जैसे ही ले जाइएगा तो वहाँ पर वो जूम हो जाएगा, वो हाईलाइट होकर दिखाने लगेगा। तो उसको वहाँ पर ले जाकर सेट कर देना है और ऐसे छोड़ देना। उसके बाद नीचे में सही का साइन आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अगर आपको बड़ा छोटा कुछ लग रहा है तो आप इसे इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी। तो अपने हिसाब से उसको अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए, और फिर इसे नीचे वाला को भी मैं सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद आप इसे यहाँ से नीचे में सही का साइन है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से आपको ऑप्शन दिया जाता है, जैसे गोल वाला आपने सेट कर लिया, थोड़ा सा लंबा भी है किसी में प्रॉब्लम हो रहा है तो लंबा वाला को भी थोड़ा ऊपर नीचे करके आप सेट कर सकते हैं। तो इसे भी मैं इस तरह से यहाँ सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे करके टॉप से भी थोड़ा नीचे ले आता हूँ और यहाँ से भी। तो काफ़ी आसान है दोस्तों इसे सेट करना। बहुत सारे एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस तरह से सेट करने में, लेकिन इसमें बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन दिया हुआ ताकि आप आसानी से आँख के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे में सही का साइन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, लेकिन आपको ऊपर वाला में जाना है जिसमें आई कलर लिखा हुआ है, आई कलर, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा कलर, नीचे में कलर्स दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास दिखाई देंगे। इस तरह से आप इसे मूव कीजिएगा तो जिस कलर का आपको बनाना है आँख, उस कलर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। बहुत सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैं एक सेट करता हूँ। लाल ठीक नहीं रहेगा, मैं यहाँ से नीला कलर अच्छा लगता है, तो यहाँ से देखिए नीला कलर में ढेर सारे आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं एक को चुन लेता हूँ। तो इस तरह से बस आपको सिलेक्ट करना है और वो रंग वहाँ पे चेंज हो गया। अब आपको पता नहीं चल रहा तो थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, सच में आँख का कलर यहाँ पर चेंज हुआ है। अगर थोड़ा सा मोड पर अगर नीचे में क्लिक कीजिएगा तो मोड पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रहा है कि किस आँख को और भी चेंज करना चाहते हैं। चेंज बोथ है, दोनों आँख को मत कलर को और भी चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर ही टिक रहने दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में ब्लेंड लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्लेंड और साइज। यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए, वो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा हो गया है, लेकिन ये सारा काम हो रहा है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो ये काम हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आँखें कलर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं चेंज करके दिखाता हूँ दूसरा कलर, ताकि आपको साफ दिखाई दे। मैं यहाँ से अब लाल वाला डाल के देखता हूँ कि कैसा दिखता है। देखिए, लाल पे क्लिक किया तो ये देखिए लाल हो चुका है ना, आसानी से आपको दिख रहा होगा कलर लाल हो गया। अब इसमें भी चेंजिंग अगर आपको लाना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ से आसानी से आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ब्लेंड पर जाइएगा तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा साइज को बड़ा छोटा करने का, और इसे ऐसे देखिए बड़ा हो रहा है ना, घट रहा है, बढ़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लाइट भी आ रहा है। देखिए, और लाइट आ जाएगा, और लाइट आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से आप आसानी से इसमें कम बेसी भी कर सकते हैं कि मतलब कहीं ज़्यादा लाइट तो नहीं है। तो काफ़ी आसान है और इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। देखिए, इसमें थोड़ा सा बड़ा भी हो जा रहा है, आँख को साइज़ को भी साथ साथ बड़ा कर दे रहा है। तो ज़्यादा छेड़छाड़ करने से फिर डिजाइनिंग ख़राब हो जाएगा, तो आप इतना ही छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नीचे में सेव लिखा हुआ, तो आप सेव पर क्लिक करके इस फ़ोटो को सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद आप इसे जहाँ मर वहाँ शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा एप्लीकेशन से आप बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति के आंखों के कलर को चेंज कर सकते हैं और उसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो अब बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ऐप के बारे में जानकारी को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।